जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सुन रहे हैं देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल को। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार का ऊपरी बाधा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार से सुखी रह सकते हो यह ज्ञान भी आपको दिया जाता है। प्रेत के बारे में भी आपको काफी कुछ ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी प्रेत जो कष्ट देता है, और वो अपने परिवार का ही प्रेत हो सकता है, बाहरी प्रेत भी हो सकता है, तो जो मनुष्य धार्मिक क्रियाओं से दूर रहता है, धार्मिक क्रियाओं से भ्रष्ट रहता है, जो नास्तिक होता है, जो धर्म की निंदा करता है, जो हमेशा झूठ ज्यादा बोलता है, प्रेत उसको कष्ट देता है। और जो अपवित्र क्रियाओं को करता है वह भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है, प्रेत उसको कष्ट देते हैं। यानी कि एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में से एक सुख रहता है, एक को सुख मिलता है, एक को दुख मिलता है, एक पाप कर्म में शामिल रहता है तो एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है तो एक पुत्र धन धान्य से संपन्नित रहता है, एक का पुत्र मर जाता है तो एक के यहाँ पे पुत्रियां ही पुत्रियां होती। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधव का भी विशेष विरोध होता है, और प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। और प्रेत दोष की वजह से ही अपने बंधु बांधवों से वह दूर हो जाता है, प्रेत दोष की वजह से ही वह मनुष्य अचानक दुख को प्राप्त होता है, उसके मन में नास्तिकता आ जाती है, जीवन जीने को मन नहीं करता है, दिल दिमाग खराब रहता है, अत्यंत लोभ में वह पड़ा रहता है, प्रतिदिन होने वाले कलह का वह मुख्य भाग होता है। यह सब प्रेत की वजह से होता है। और जो पुरुष माता पिता की हत्या कर देता हो, जो देवताओं की ब्राह्मणों की निंदा करता हो, और जिसके ऊपर उसके ऊपर हत्या का दोष लगता है, वह भी प्रेत पीड़ा से ही संबंधित होता है। जो नित्य कर्म से दूर रहता है, जप होम आदि से दूर रहता है, पराए धन को अपना मान करके चलता है, पराई स्त्री का भोग करता है, जो मनुष्य दुखी रहता है, इसके दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही होती है। अच्छी वर्षा होने पर भी जो कृषि होती है उसका नाश हो जाता है, उसका व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न हो जाता है, यह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, यात्रा में उससे भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती तो वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होती है। और जो मनुष्य नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है, अधर्म में हमेशा शामिल रहता है, उसे भी प्रेत दोष या प्रेत पीड़ा रहती है। जो व्यसन के अंदर द्रव अपने धन का नाश कर देता है वह भी प्रेत दोष की वजह से होता है। जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सट्टा खेलता हो, उसको भी प्रेत दोष की उत्पत्ति होती ही होती है, प्रेत दोष की वजह से ही वह ये सब कार्य करता है। चोर अग्नि और राजा से भी उसको हानि होती है, यह प्रेत दोष की वजह से ही होता है। शरीर के अंदर महाभयंकर रोग की उत्पत्ति होती है, बाल की पूड़ा होती है, बाल तोड़ होता है, पत्नी भी कष्ट में रहती हो तो समझ जाओ प्रेत दोष है उसके अंदर। जो वेदों के अनुसार नहीं चलता, जो स्मृति पुराणों के अनुसार नहीं चलता, जो धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है और नियमों का पालन नहीं करता है, ऐसा मनुष्य के ऊपर भी प्रेत दोष होता ही होता है। जिस मनुष्य के प्राणी के अंदर प्रेम नहीं हो वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। और जो मनुष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण देवता और तीर्थ की बुराई करता हो वह भी प्रेत दोष की वजह से करता है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। स्त्रियों का गर्भ नष्ट भी प्रेत दोष की वजह से होता है। जिनका रजो दर्शन नहीं होता है उनका भी प्रेत दोष की वजह से होता है। जिनके यहाँ बालकों की मृत्यु हो जाती है, लड़कियां तो जिंदा रह जाती है परंतु बालक मर जाता है, वो प्रेत दोष की वजह से ही होता है। और जो मनुष्य शुद्ध भाव से सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता है वह भी प्रेत बाधा की वजह से ही करता है। तीर्थ में जाकर दूसरों का जल पीता हो, दूसरों का खाना खाता हो, वह भी प्रेत दोष ही होता है। और तीर्थ स्थान में जाकर सत्कर्म नहीं करता वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है।
भोजन करते समय यदि क्रोध की उत्पत्ति हो जाए, भोजन करते समय यदि भोजन की थाली को ठुकरा दे, पति पत्नी के बीच में कलह हो जाए, दूसरों से शत्रुता रखे, ऐसी बुद्धि हो जाए तो भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। पत्नी का विरह जहां होता है वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। फल और फूल दिखाई नहीं देते हो वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। जिन लोगों में हमेशा उच्चाटन रहता हो, दिमाग बहुत गर्म रहता हो, काम करने की इच्छा नहीं होती है, वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो मतलब अपने ही गोत्र के मनुष्यों का विनाश करता हो, एक दूसरे के ऊपर तंत्र बाधा करते हो, एक दूसरे को मरवाने का काम करते हो, एक दूसरे की दुकानदारी को हड़पने का काम करते हो, यह प्रेत दोष की वजह से ही होता है। यानी भाई भाइयों के अंदर झगड़ा भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। और जो मनुष्य अपने पुत्र को शत्रु के समान मानता हो उसको भी प्रेत दोष होता है। और जिसके आत्मा में प्रेम और सुख की अनुभूति का अभाव रहता है वह भी प्रेत दोष की वजह से ही होता है। जो पिता के आदेश की अवहेलना करता हो, अपनी पत्नी के साथ रखा भी सुख का उपयोग न कर पाता हो, जिसके अंदर भयंकर उग्रता हो, क्रोध हो, क्रूर बुद्धि हो, वह प्रेत दोष की वजह से ही होता है। तो इसलिए श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ऐसा जानकर के मनुष्य को प्रेत मुक्ति का उपाय करना चाहिए। जिसके वंश में प्रेत दोष देता है उसके लिए संसार में कोई भी सुख की कामना कर ही नहीं सकते, उसको दुख ही दुख मिलेगा। जिस मनुष्य के जीवन में प्रेत दोष होता है उसके यहां पर मति यानी बुद्धि खराब हो जाती है, प्रेम नहीं रहता है, रति यानी कि भोग विलास खत्म हो जाता है, लक्ष्मी नहीं रहती है और बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, इन पांच का विनाश हो जाता है। और तीसरी या पांचवी पीढ़ी तक तो प्रेत बाधा इतनी ज्यादा गहरा जाती है कि उसके कुल का ही नाश हो जाता है। और ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहता है, निर्धन रहता है और पाप कर्म में घुसा रहता है। विकृत शरीर वाले, विकृत मुख वाले, नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र पुत्र पुत्री पिता भाई भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी प्रेत दोष की वजह से ही ऐसा करते हैं। इसलिए प्रेत दोष की शांति कराएं, प्रेत दोष को दूर करवाएं, प्रेत यदि लगा हुआ हो तो उसे अलग करवाएं। यदि आपके घर परिवार में, आपके परिवार के सदस्य के बीच में किसी को इस प्रकार का जो हमने सिम्टम बताए, लक्षण बताए हैं, इस प्रकार का कोई प्रेत दोष है तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। प्रेत दोष शांति और प्रेत दोष निवारण से संबंधित सभी प्रकार का कार्य किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।